हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू स्टडी क्लासेस। मैं अजय स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी के ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 9 है। अगर इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, जाके देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉन टेनिस, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉन टेनिस। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी रामचंद्रिका, ऑप्शन डी भारत रामायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामचरित मानस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में विकेटों के बीच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 22 गज, ऑप्शन बी 22 फीट, ऑप्शन सी 22 मीटर, ऑप्शन डी 20 गज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 गज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी आरती गुप्ता, ऑप्शन सी राजेंद्र कौर, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दारुल अवाम, ऑप्शन बी मजलिस, ऑप्शन सी कौमी असेंबली, ऑप्शन डी आवाज ईरान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मजलिस। ईरान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो मजलिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यंत्र से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती है? ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी अष्टदर्शकों, ऑप्शन सी दूरदर्शी, ऑप्शन डी टेलीविजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथकली नृत्य संबंध निम्नलिखित राज्य से है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो केरल राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक फसल उत्पादन करने वाला राज्य? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना शहर का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए कोसल, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गोमतेश्वर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए नमक यात्रा, ऑप्शन बी दांडी यात्रा, ऑप्शन सी सत्याग्रह यात्रा, ऑप्शन डी असहयोग यात्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दांडी यात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी का नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन बी अब्दुल गफर खान, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शंकर प्रसाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र थे। जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रूबल, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी लीरा, ऑप्शन डी येन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी येन। जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? तो हम लोग येन कहते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन सी चार्ल्स पैटन, ऑप्शन डी सैमुअल स्कोल्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
सैमुअल स्कॉट, बियोलॉर का इसका किसने किया, सैमुअल स्कॉट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह स्थित है? ऑप्शन ए थुम्बा, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंगल। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी हेंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में है? तो जिनेवा में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।